नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, दुबई में इस समय मौजूद। और दुबई में जिस टीम ने दिल भी जीता, मैच भी जीता, चैंपियनशिप भी जीती, उसके सुरेश रैना हमारे साथ हैं। मतलब अभी तक वो सेलिब्रेशन पूरे हुए हैं या नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग जीते, बहुत खुशी है उस चीज की। और धोनी भाई ने दिखाया लोगों को कैसे आप आईपीएल में कैसे कैसे से परफॉर्मेंस करते हैं। और आई थिंक क्रेडिट गोज टू सारे स्पोर्ट्स स्टाफ, और जिस तरह से परफॉर्मेंस हुआ सब सबके साथ, आई थिंक। और अभी महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं, वो टीम के साथ हैं, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में भी हम जीतेंगे। ये धोनी ने भी जब एक्सेप्टेंस स्पीच के लिए गए, जब वो अपनी ट्रॉफी लेने के लिए गए, उस समय उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं बाकी चीजें बाद में बात करूंगा, कोलकाता नाइट राइडर्स की पहले बात कर लूंगा। ये क्या था? क्या 10वें ओवर तक जिस तरह से वो टीम खेल रही थी, या अभी तक टूर्नामेंट के आई थिंक द वे दे स्टार्टेड, पहले जो फर्स्ट फेज में इंडिया में खेले थे आईपीएल, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। और बहुत सारे ऐसे टैलेंट आए, अय्यर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया सारा, वो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली वो काबिले तारीफ है, जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया। और अच्छी बात ये रही कि पूरे टूर्नामेंट देखोगे काफी सारे लड़के हैं जो वर्ल्ड कप में अभी टीम में हैं, वो तो आईपीएल एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट लग रहा है, भले ही सामने की टीम में था। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक वो मिस्ट्री स्पिनर है श्वेता, मुझे लगता है कि उसका रोल बहुत अहम होगा यहाँ पर। वो विकेट काफी यहाँ पे स्पिनर फ्रेंडली है, तो मुझे लगता है कि काफी एक अलग धमाकेदार टूर्नामेंट होने वाला है ये। हम आगे बातचीत अपनी करें, उससे पहले जरा हम दिखा देते हैं आपको कि मैच में क्या क्या हुआ है, किस तरह का प्रदर्शन रहा, क्योंकि एक बहुत रोमांचक मैच था। अमूमन डर ये होता है ना कि फाइनल वन साइडेड ना हो जाए, लेकिन यहां पर वन साइडेड नहीं था, कम से कम तब तक नहीं जब तक पहला विकेट केकेआर का चला नहीं गया था। ये मैच रिपोर्ट देख लेते हैं। Once again, a magnificent story. They talk about experience. Dubai International Cricket Stadium, चेन्नई के चौतरफा चमक का गवाह बना। आप में से बहुत से लोग इस शख्स को किस्मत किंग कहते हैं, मगर इस मैच का लम्हा लम्हा क्रिकेट के पन्नों में लिखता रहा है कि ये कहानी किस्मत से नहीं, मेहनत और ताकत की है। माही के कुनबे ने ऐसी तबाही मचाई कि कोलकाता कहीं का नहीं बचा। चौथी बार चैंपियन बनी है चेन्नई, इसी कप्तान के साथ जीत का सिलसिला शुरू हुआ और इसी के साथ ये कारवां चलता ही जा रहा है। चेन्नई ने अपने विरोधियों को चित करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। वैसे इसकी पटकथा चेन्नई की बल्लेबाजी के साथ ही शुरू हो गई थी। ऋतुराज गायकवाड़ और फाक डुप्लेसी ने आतिश शुरुआत दी। 8 ओवरों में ही इस जोड़ी ने बोर्ड पर 61 रन टांग दिए। अफसोस कि ऑरेंज कैप जीतने वाले ऋतुराज की ये पारी इस बार 50 की दहलीज नहीं लांग सकी। 27 गेंदों पर उन्होंने 32 की पारी खेली। ऋतुराज तो गए, लेकिन कोलकाता की शामत नहीं गई। उथप्पा ने एक और ताबड़तोड़ पारी खेली, इस बार 15 गेंदों पर 31 की। और फाफ का बल्ला बताता रहा कि तजुर्बे की ताकत क्या होती है। 2 रन पर स्टंपिंग मिस होने के बाद से उन्होंने कोलकाता को कोई मौका ही नहीं दिया। मोइन भी मौके पर चौके छक्के जड़ने से नहीं चूके। चेन्नई ने पावर प्ले में 50, मिडिल ओवर्स में 89 और डेथ ओवर्स में 53 रन कूटे, यानी आखिरी 4 ओवरों में बने 53 रन। और यही कोलकाता की मानो कमर टूट गई, उसे लक्ष्य मिला 193 का। फिर भी पहाड़ जैसे लक्ष्य के आगे कोलकाता के ओपनर्स लड़े और खूब लड़े। वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल की जोड़ी ने 10.3 ओवरों में 91 रन जड़ दिए। ये वो वक्त था जब चेन्नई के खेमे में चिंता की लकीरें उभरने लगी थी। लेकिन 11वें ओवर में शार्दुल ने पहले अय्यर और फिर नीतीश राणा को कैच कराकर अपनी टीम की मजबूत वापसी कराई। और जब 12वें ओवर में सुनील नारायण भी जडेजा के कैच पर चलते बने, तो कोलकाता की उम्मीदें ध्वस्त हो गई। एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी कोलकाता 20 ओवरों में 169 रन ही बना सका।
धोनी की टीम ने खिताबी मुकाबला 27 रनों से अपने नाम किया। आज तक ब्यूरो। कमाल का मैच वाकई, और उसके बाद जो जश्न भी हुआ वो भी कमाल का था। सबके बच्चे वहां ग्राउंड पे दौड़ते भागते, लग रहा था वो भी ट्रॉफी जीते। लेकिन एक तरह से हम देखें सुरेश, तो वाकई फैमिलीज ने भी ये ट्रॉफी जीती है। बायो बबल में आप लोगों के साथ रहे? नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, फैमिली जब साथ में रहता है तो काफी इम्पोर्टेंट रहता है। और जैसे आपने बोला कि बच्चे हैं ग्राउंड पे, जब वो हंसते हैं खेलते हैं एक दूसरे कल्चर से मिलते हैं, तो आई थिंक उनकी दुआएं लगी और सबकी फैमिलीज थी तो बड़ा मैटर करता है। और सीएसके जो फ्रेंचाइजी है वो काफी फैमिली ओरिएंटेड है। वो सीएसके का रेसिपी ऑफ सक्सेस क्या है, क्यों ये टीम फाइनल तो एक आदत सी बन जाती है? आई थिंक एम एस धोनी, टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह से वो टीम लेड करते हैं और सबको एक इम्पोर्टेंस देते हैं टीम के साथ, और सबको पता है कि किस तरह से परफॉर्मेंस करना है। एंड हमारे टीम का जो प्रोसेस तो बड़ा हम्बल रहता है वो, तो जैसे एज यू सेड कि जैसे वो केकेआर की तारीफ उन्होंने इसलिए की कि वो डिजर्व करते थे, बट इससे पता चलता है कि एंड ऑफ द डे क्रिकेट जीता है, चाहे दो इंडिविजुअल खेलते हैं तो खेल जीता है, और खेल के साथ हम लोगों ने फैंस का दिल जीता है, और जितने भी फैंस है जिन्होंने सपोर्ट किया। मुझे लगता है कि इससे अच्छी चीज सीखने को क्या मिलती है, जब आप टीम के साथ रहते हो तो एक लीडर से ऐसी चीजें सीखनी चाहिए जो आप डिफरेंस में रहते हो फेस में। तो अगर धोनी उस जगह केकेआर के साथ होते तो एक अलग होता वो, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से अपने टूर्नामेंट जीता वो पता चलता है कि एज ए लीडर जब जैसे जिस तरह से वो खेले हैं तो बड़ा मैटर करता है कि पूरा टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किया, डिफरेंट प्लेयर को ट्राई किया और डिफरेंट पोजीशन में ट्राई किया, फिर भी सब बात कर रही थी काफी ओल्ड टीम है और काफी ग्रैंड डैड्स टीम भी कहा जाए। हाँ, बट चुपती थी ये बातें कि लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, और मतलब जबकि आप लोगों के पास कुछ ऐसा नहीं था कि यू हैड अ पॉइंट टू प्रूव, आप लोग अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सवाल करते थे। नहीं होते, बट बच्चे हैं तो डेफिनेटली सारी चीजें होती है, बट बच्चों की दुआएं लगती है। जो लोग कभी आईपीएल खेले नहीं है, जो कभी ऐसे सोचते होंगे, मुझे लगता है कि जब ट्रॉफी आती है आईपीएल की, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है कोचेस का, कैप्टन का, प्लेयर्स का, तो भी जीते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आई होप कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप भी जीते तो उसका दोहरा जश्न मनाया जाएगा। आपके हमारे हम सब के धोनी, कल तक चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान, आज से टीम इंडिया की जान। पद के सामने लिखा हुआ है मेंटोर, यानी पद प्रदर्शक, गाइड, गुरु, मगर जानने वाले जानते हैं कि गुरु कम, विराट एंड कंपनी के साथी और साहस ज्यादा होने वाले हैं। इनकी हाजिर जवाबी टीम इंडिया के बड़े काम आने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे कल इनसे पूछा गया कि आपकी विरासत चेन्नई को चमकाएगी। सुनिए क्या बोले धोनी। The leader, MS Dhoni. But still, I haven't left behind. No, you're not the leader, MS Dhoni. But still, I haven't left behind. No, you're. धोनी के करोड़ों प्रशंसक हैं, तो लाखों आलोचक। कई बार आलोचकों की आवाज ज्यादा बुलंद लगती है, शायद इसीलिए उनसे पूछा गया कि अगली बार भी क्या आईपीएल खेलेंगे। शायद इस सवाल के साए में उनका टीम का मेंटोर बनना भी था। लेकिन धोनी तो धोनी है, लाखों की उबलती आवाजों के लिए अपने करोड़ों प्रशंसकों का दिल नहीं तोड़ा। Does Talai come back next year? Well, again, I've said that in a pre-match conference. Yes, you know, it? Basically, it depends on BCCI. You know, with two new teams coming no, in, that's a bad MS. Start no, for me. This is you and CSK. It's not about them. No, but we have to decide what is good for CSK. You know, it's not really about me being there in the top three or four, whatever the retained number of players is. You know, it's about making a strong core and making sure that the franchise doesn't really suffer, because it will be an auction where you have to make team for the next 10 years. You know. हाँ, सच ये भी है कि एक खिलाड़ी के तौर पर धोनी अब वो धोनी नहीं है जो धमाल मचाते हैं। फाइनल में उन्होंने वेंकटेश अय्यर का कैच छोड़ा था। अय्यर चढ़ बैठे, शुक्र है शामत नहीं आए। बल्लेबाज के तौर पर भी दिल्ली के खिलाफ उस ताबड़तोड़ 18 रनों को छोड़ दें तो इस आईपीएल में धोनी के बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकली। लेकिन धोनी है सदा के लिए, तीन तीन आईसीसी खिताब उन्होंने ऐसे ही नहीं जीते। धोनी की इसी सदा और अदा पर तो फिदा है इंडिया। उनका ये रूह स्वरूप इंडिया को वर्ल्ड कप में भी सरताज बनाए, यही चाहता है इंडिया। दुआ भी इसी बात की। आज तक ब्यूरो। जो आपकी ओपनिंग थी
सीएसके की, वो बहुत क्रूशियल रही और सबसे अच्छा परफॉर्म भी करते रहे वो, 1000 से ज्यादा मुझे लगता है रन दोनों के रहे, फैफ और ऋतुराज गायकवाड़ कितना इम्पोर्टेंट। आई थिंक ऋतुराज और फैफ ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, मुझे लगता है कि उनका जो मोमेंटम बना है वो अच्छा बना, वो स्टार्टिंग से वो फर्स्ट गेम से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और ऋतुराज आई थिंक मुझे लगता है कि ही इज रेडी टू प्ले फॉर द कंट्री, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया अंडर प्रेशर, प्ले ऑफ की गेम हो, और ही इज मोर ऑफ ए माही भाई टाइप ऑफ ए पर्सन, वेरी काम, वेरी कंपोज एंड ही वर्क्स रियली हार्ड। तो मुझे लगता है कि जो चीजें आसपास हैं उसको तो बहुत जरूरी है उसको अभी यहाँ से टेक ऑफ करना, और अब उसको देखेंगे। और फैफ हर जगह से लीग खेल रहे, चाहे वो इंडिया के बाहर आईपीएल के अलावा कोई लीग है, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। दोनों ने 1200 रन बनाए तो उससे पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है टीम में मिडल ऑर्डर में। फिर आपके पास रॉबिन था, रॉबिन ने अच्छा बैटिंग किया, रायडू, मोइन अली, फिर उसके बाद जडेजा, ब्रावो, शार्दुल, चहर, मतलब कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन। तो बड़ा मैटर करता है कि जब टीम जीती है तो सबका इंपॉर्टेंट योगदान होना बहुत जरूरी है। यहाँ मैं कुछ, क्योंकि यहाँ से निकलकर टीम को यहाँ पर वर्ल्ड कप भी खेलना है, ये जिस तरह से आपने रीड किया होगा यहाँ की विकेट्स को, जिस तरह से बिहेव कर रही है वो, किन चीजों के बारे में यहाँ पर सोचकर उतरना होगा? और इंडियन टीम तो यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग खिलाड़ी खेलते रहे अलग अलग टीमों का हिस्सा होकर, क्या अच्छा है यहाँ पर और क्या चैलेंजिंग? आई थिंक अच्छा सब कुछ है, बट मुझे लगता है कि इंटेंट पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली है और सब लोगों ने देखा है कि कैसे विकेट चेंज होता है, सारा कैसे मैचेस चेंज होता है। शारजाह विकेट अलग चैलेंजिंग है, और मुझे लगता है कि जो भी टीम यहाँ पे खेलने आएगी, मेक श्योर कि उनका प्लान होना चाहिए कि कैसे प्लान करना है। और हमारी टीम का सबसे अच्छी बात है कि हमने 7, 8 और 9 आईपीएल के मैचेस खेले हैं वो, तो उनके पास एक्सपीरियंस है। और हमारे पास विराट कोहली एज ए कैप्टन, आपको पता है कि कितना उन्होंने परफॉर्मेंस किया, रोहित शर्मा, केएल राहुल, जडेजा, शार्दुल ठाकुर, तो बैलेंस है। और मिस्ट्री स्पिनर वी हैव अश्विन है, उसके बाद हमारा वरुण है जो इम्पोर्टेंट रोल है उसका। और जैसे आपने अच्छी बात बोली कि जो माहौल है टीम के पास उनके साथ, और धोनी मेंटर बने हैं, तो मुझे लगता है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा इंडियन टीम के आगे बढ़ने के लिए। हमेशा ये मतलब मुझे लगता है कि रिसर्च का विषय हो गया सबके लिए कि धोनी ऐसा क्या करते हैं कि उनकी टीम एक अलग तरीके से बिहेव करती है मैदान में। क्या सचमुच में फाइनल से पहले कुछ कहते हैं या कुछ नहीं कहते? नहीं, वो बस बोलते हैं ऑल द बेस्ट और एंजॉय द गेम, और जाओ खेलने जा रहे हो एंजॉय करके आओ वापस। आई थिंक जब हम बचपन में खेलते थे घर में, पापा बोलते थे या कोचेस बोलते, बेटा ग्राउंड जा रहे हो, खुश होके आओ, खुश होके आओ। तो गेम सिंपल है, सारी चीजें सिंपल है, जब आपका लीडर इतना स्ट्रांग है, इतना इम्पोर्टेंट उसके इनपुट्स हैं, इतना इम्पोर्टेंट उसका सपोर्ट है, तो कोई भी आदमी चाहेगा कि मुझे सीएसके के लिए जीतना है, मुझे इंडिया के लिए जीतना है, मुझे अपने स्टेट के लिए जीतना है। तो बड़ा मैटर करता है जब आपके पास ऐसा लीडर हो जो आपको प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए, तो कोई भी उसके लिए जान देने के लिए रेडी है। बीच के कुछ समय को छोड़ दें तो 2008 से लेकर अभी तक चेन्नई के साथ जो रिश्ता रहा है, अब ये चीज समझ रहे हैं, मन में आ रहा है कि हो सकता है अगले साल ये यूनिट सेम ना रहे? नहीं, चेंजेस होंगे डेफिनेटली, और टाइम ऐसा होता है जब आप, हम लोग आई थिंक ऑलमोस्ट सभी फाइनल खेले हैं, 4 बार जीते हैं, टीम का जो माहौल है वो अच्छा है, और हम लोग बड़े अच्छे नोट पे निकले हैं अभी वो, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इस बार हम लोग चैंपियनशिप दुबई में जीते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं इमोशन थे, जब हम कल निकल भी रहे थे होटल से सुबह बबल के बाहर, तो सब लोग मिस कर रहे थे एक दूसरे को, क्यों अगले साल क्या होगा किसी को नहीं पता है, बट हमारे पास वो ट्रॉफी है जो हम लोग उस चीज को हमेशा चेरिश करेंगे। और जिस तरह से माही ने जो प्ले ऑफ में जो मैच जिताया हम लोग को, तो जो छक्का लगा, तो वो अलग फील है वो, तो मुझे लगता है बड़ा मैटर करता है कि जो इमोशन है टीम के साथ वो जिंदगी भर हर सबके जहन में रहेंगे। देखिए, दुबई सुन के सबको लगता है कि एक मतलब हमेशा से और सालों सालों से ऐसा रहा है कि अच्छा एक ऐसा देश जहां पर पता नहीं कितनी सारी चीजें वो देखने के लिए, हमारे पीछे भी अगर आप देखेंगे ये तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है इसे, मतलब एक आम लोग भी आकर अपना आइडिया कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, उसकी एक वानगी यहाँ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन टीम नहीं देख पाई थी, टीम बायो बबल में रही थी, टीम कविता लिखी है, राइट? हाँ, कविता लिखी। अरे वाह, ये जो यहाँ के शासक हैं उन्होंने एक कविता लिखी, तो कैलीग्राफी के साथ उसे इस पर लिखा गया है। अंदर से भी बताते हैं, अभी हालांकि इनॉग्रेशन नहीं हुआ है इसका, लेकिन अंदर से भी बताते हैं कि अभी बहुत शानदार होगा, तो वो सारी चीजें। लेकिन आप लोग घूम नहीं पाए थे कहीं पर, अब पूरा फुल मूड है उसका। बिल्कुल, और अभी वर्ल्ड कप के मैच देखेंगे, थोड़ा शॉपिंग करेंगे, बच्चों को घुमाएंगे। कि शहर ने तो बीच में ही प्रपोज कर दिया। नहीं, अभी शादी के लिए जाना है, आई थिंक जब भी शादी होगी तो हमें बुलावा है, लड़कों वालों की तरफ से भी, लड़की वालों की तरफ से भी, डिसाइड करेंगे कि दीपक की तरफ से जाना है कि जय की तरफ से जाना है। बट आई थिंक मेरी बेस्ट विशेज उनके साथ है, दे लुक वेरी नाइस, और उससे अच्छा क्या गिफ्ट दे सकते हैं दीपक जी, और जीते हैं तो मुझे लगता है कि शी इज अ लकी चांस। जीत की ट्रॉफी से ही काम चल जाएगा, वो हो गया।
गिफ्ट हो गया आप टीम से. लेकिन अभी भी मुझे याद है कि आप लोग जब चेन्नई में ही होम ग्राउंड वहां पर इट्स जस्ट 2020 मेट, ये हेडन कहा करते थे कि जीत हार को बहुत सीरियसली मत लो. नहीं, चेन्नई में खेलते थे वहां चलेंगी विकेट्स. हम लोग राजस्थान से जब खेले थे 2008 में, बड़े क्लोज है, हमने बड़े क्लोज फाइनल हारे. तो कल कहीं ना कहीं एक दिल में, एक जहन में था कि नहीं यार ये जीतना है, बिल्कुल माई भाई के लिए जीतना है या उस फैंस के लिए जीतना है जो नहीं आ पाए हैं. जो हम लोग जब बबल में खेल रहे थे बॉम्बे में और दिल्ली में, डिफिकल्ट था. बहुत लोगों ने सपोर्ट किया हमारे पीछे, सारे डॉक्टर सारे लोग काफी सपोर्ट कर रहे थे. तो मुझे लगता है कि ये ट्रॉफी के हकदार काफी सारे वो लोग हैं जिन्होंने उस बबल में रह के हमें लुक आफ्टर किया, चाहे वो रूम सर्विस हो, हाउस कीपिंग हो, सारे वो टेस्ट के लोग जिन्होंने हमारे कोविड टेस्ट किया. तो आई थिंक इट्स ए कमांडेबल जॉब जो पूरा लुक आफ्टर किया. तो मुझे लगता है कि उनकी भी कहीं ना कहीं दुआ लगी हम लोग की टीम के लिए. चलिए बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट आगे जो कुछ होना है उसके लिए, और अभी तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. मुझे लगता है कि जो फैंस ना वो भी रात भर नहीं सो पाए थे उस जश्न को लेकर. यहां के स्टेडियम में भी आपको बताएं कि नारा चाहे केकेआर के लिए लग रहा होता था, जवाब में सीएसके ही आता था वहां से. और ये बहुत बड़ी ताकत हो जाती है एक टीम की जो अपना फाइनल तो रिकॉर्ड खेल रही हो, लेकिन केकेआर जैसी टीम जो कि कभी फाइनल हारी नहीं थी लेकिन रिकॉर्ड पीछे रह जाते हैं, जीत हमेशा उसकी होती है जो कुछ नया सोच कर निकाल. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए. तो देखिए आईपीएल हो गया, लेकिन ये सलाम क्रिकेट जिसमें सुरेश रैना भी हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम क्रिकेटर यहां पर आएंगे जो बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान यहां पर चैंपियन बनेगा फिर से. लेकिन वो जो टेलीकास्ट है वो हम आपको दिखाएंगे 23 तारीख को. उस दिन पूरे दिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा. लेकिन आज आईपीएल की इस खास पेशकश जिसमें चेन्नई बनी है चैंपियन और उसके सबसे अहम जो किरदार रहे हैं सुरेश रैना, उनसे हम बातचीत कर रहे थे. अभी के लिए इतना ही. देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक.